फील्ड कोई सा भी हो, लेकिन अगर सपने अगर हैं तो वो पूरे होते हैं। ऐसे ही सपने देखे जा रहे हैं बहुत सारे एस्पायरेंट्स, लाखों की संख्या में एस्पायरेंट्स के द्वारा एसबीआई पीओ बनने का। सवाल यहां पर ये आता है कि क्या उनका ये सपना पूरा होगा? जी हाँ, एसबीआई पीओ का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स का सपना पूरा होगा। जितनी वैकेंसीज है उतनी वैकेंसी तो एटलीस्ट फिल होगी ही होगी, ये आपको भी पता है। अब सवाल ये है कि आखिर सपने पूरे होते कैसे हैं, और जिनके सपने पूरे होते हैं उनके द्वारा कौन सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, सपने, हर वो सपना पूरा हो सकता है जो भी आप देखते हैं, अगर उस सपने के लिए आपके पास सही समय पे एक सही कोच मिल जाए। ठीक उसी प्रकार से एसबीआई एस्पायरेंट्स के लिए उनके कोच हैं उनके फोर सब्जेक्ट्स के टीचर्स, जो मेंस एग्जामिनेशन को इंक्लूड करके होते हैं। प्रीलिम की बात करें, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये थ्री सब्जेक्ट्स होते हैं। बहुत सारे बच्चों के प्रीलिम क्रैक नहीं हो पा रहे, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर बच्चों की, खास तौर पे जो हिंदी मीडियम के एस्पायरेंट है, उनकी है इंग्लिश। सो यहां पे क्या, जिन बच्चों की इंग्लिश कमजोर है या जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, जो पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते, क्या उनको हक नहीं है एसबीआई पीओ बनने का? जी हाँ है, बस सवाल एक ही है यहां पर, उसका जवाब सिंपल सा है कि अगर आपको सही समय पे सही डिसीजन लेकर सही कोच के साथ आप लग के अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो। मैं इस वीडियो में संदीप के श्रवण डिस्कस करूंगा आपके साथ एसबीआई को कैसे क्रैक करें, एसबीआई की इंग्लिश को कैसे क्रैक करें। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको बताया कि जब भी हम एसबीआई की इंग्लिश की प्रिपरेशन करने की सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि सिलेबस क्या है, इंग्लिश का जान लेते हैं। आपको ये चीज पता है कि सबसे पहली चीज जो हमें एसबीआई के लिए पढ़नी होती है वो होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है आपका इंग्लिश का ग्रामर। अगर इंग्लिश का ग्रामर किसी का वीक है ना, वो कोई भी लाइन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए 5 नंबर भी ला पाना पेपर में मुश्किल होगा, क्योंकि उसको कुछ अंडरस्टैंडिंग ही, उसका अंडरस्टैंडिंग पार्ट ही वीक रह जाएगा। और अंडरस्टैंडिंग पार्ट में जो सबसे अहम भूमिका निभाता है, उसका रोल होता है, वो होता है आपका ग्रामर। तो एक हर एक स्टूडेंट के लिए ग्रामर का पोर्शन, भले उसको कॉन्सेप्ट पता हो या ना पता हो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि इस जगह पे कौन सी चीज आनी चाहिए, वो चीज उसको पता होनी चाहिए, जो मैक्सिमम जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ होता है, लेकिन हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इससे सफर करता है। तो फर्स्ट थिंग जो आपको पढ़ना होता है बेसिक के कॉन्सेप्ट्स में एसबीआई पीओ को क्रैक करने के लिए, दैट इज ग्रामर। सेकेंड थिंग जो ग्रामर के जैसा ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर वोकैबुलरी। कंप्लीट इंग्लिश इज बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, द मेन पिलर ऑफ इंग्लिश इज वोकैबुलरी गाइज। आपके अगर वोकैब वीक है तो इंग्लिश में आप करेंगे कैसे? आप तो लाइन भी नहीं पढ़ पाएंगे ना, आपको तो एक भी वर्ड समझ में नहीं आएगा। सो द बेस्ट थिंग इज कि आप अगर ग्रामर के साथ वोकैबुलरी को पैरेलल में स्ट्रॉन्ग करते चलते हैं, आपकी इंग्लिश का पोर्शन यहां पर स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। और तीसरी जो पार्ट आता है, दैट इज योर रीडिंग पार्ट। अगर ये पार्ट आपका वीक है तो एसबीआई का पीओ एक सपना ही रह जाता है, क्रैक नहीं हो पाता। प्यारे बच्चों, ये तीनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, ग्रामर की अपनी इंपॉर्टेंस है, वोकैबुलरी की अपनी इंपॉर्टेंस है, रीडिंग पार्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है आपके एक बैंकर बनने में। हम इसमें से किसी को भी डिनाय नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि सर अगर ग्रामर कमजोर है तो क्या 2 से काम चल जाएगा, सर रीडिंग कमजोर है तो क्या ऊपर के 2 से काम चल जाएगा। नहीं चलेगा, इसमें तीनों आपके पास होना चाहिए। ये इंग्लिश में तीनों, अगर आप जिस भी बच्चे के पास ये 3 में से एक भी कम है ना, उस बच्चे का एग्जाम बहुत ही मुश्किल से क्रैक होता है, क्योंकि उसके मार्क्स कम आते हैं, वो ओवरऑल में कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाता है। मार्क्स 5 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर ऐसे लाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन 25 प्लस जाना, 28, 29, 30 लेकर आना इन प्रीलिम एग्जामिनेशन, वो उनके लिए बहुत ही, वो उनके लिए एक सपना ही रह जाता है। सो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि कंप्लीट इंग्लिश का एक बैच जो बेसिक से हाई लेवल के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेगा, वो आपके लिए मैं डिजाइन कर चुका हूं। आप जाकर अनअकैडमी पे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिएगा, सर्च कीजिएगा वहां पे, सर्च वाले कॉलम पे यहां पे क्लिक करके नाम टाइप कीजिएगा, संदीप केसरवानी, ये नाम टाइप करके उसको सर्च कीजिएगा, आपको यहां पर इस प्रकार से मेरे सारे बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है, आपको इस प्रकार से सारे बैचेस मिल जाएंगे। तो ये वाला बैच आपको दिख रहा होगा, कंप्लीट कोर्स ऑन इंग्लिश फॉर एसबीआई पीओ प्री प्लस मेंस, ये दोनों एग्जाम के लिए है। इसकी जो स्टार्ट डेट है वो है आपकी 15th of April, 15 अप्रैल से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। तो ज्यादा दिन बचे भी नहीं है आपको यहां पर इस बैच में इनरोल करने के लिए, तो इसका इनरोलमेंट चल रहा है फटाफट। आप सारे स्टूडेंट्स जिनका भी इंग्लिश वीक है या इंग्लिश की वजह से अभी भी सपना अधूरा है, वो अपने आप को इस बैच में जरूर इनरोल कर ले, क्योंकि एक्चुअल में आपको जितनी भी अभी मैंने जो 3 पिलर्स आपको बताए ना, वो तीनों पिलर्स आपके इस बैच में कंप्लीट हो जाने हैं, उनके उनकी जो प्रॉब्लम है ना वो दूर हो जानी है इस बैच में। आपको एक काम और कीजिएगा, यहां पर फॉलो भी कर लीजिएगा, मेरे आगे की भी जो सीरीज आने वाली है, जो भी मेरे बैचेस आने वाले होंगे वो भी आप देख पाएंगे।
तो इसको ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, मैं वो आपको बता देता हूं, फटाफट आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को इनरोल कर लीजिए फटाफट। आपको करना क्या है, अनअकैडमी पे जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करके ओपन करते हैं तो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, उसको डाल के आप वेरीफाई कर लीजिए। फिर आपसे पूछेगा कि आपका गोल क्या है, तो ये पेज में इस 3 बटन पे आपको क्लिक करना है, इस 3 लाइन पे क्लिक करना है एंड फिर आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है बैंक एग्जाम, क्योंकि आपको SBI PO बनना है। सो बैंकिंग का कोई भी गोल के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे अगला पेज आएगा, इस जगह पर आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। ये क्लिक करते ही आपके पास मल्टीपल ड्यूरेशन के यहां पर सब्सक्रिप्शन का आता है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, जो भी लेना है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट होता है दैट इज 12 मंथ्स, क्योंकि आपको प्री मेन सारे एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू, ये सब की क्लासेस करने में 8-9 महीना तो लग ही जाएगा एटलीस्ट, तो एटलीस्ट 12 मंथ्स वाला आपके लिए सही रहेगा। आप यहां पे क्लिक कीजिए, फिर यहां पे पूछ रहा है एंटर रेफरल कोड, एक रेफरल कोड लगाना है मेरी क्लासेस के लिए, कोड लगाइएगा यहां पे संदीप 12, ये रेफरल कोड यहां पे डाल के अप्लाई की बटन ये जरूर प्रेस कीजिएगा, अप्लाई की बटन जरूर, ये मैंडेटरी है। इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही आप अप्लाई करोगे 10% डिस्काउंट हो जाएगा सारे कोर्सेज पे। आपका क्या हो गया, जैसे ये 1200 का था, अभी देखो ये 1080 हो गया, ऐसे ही सभी हो जाएंगे। ये 500 रुपए महीने पे आ रहा था ना, टोटल 6000 का था, अभी 450 हो गया, 5400 रुपए हो गया। सो गाइस यहां पे आपका 6000 वाला, 1 ईयर वाला सीधा 600 रुपीज ड्रॉप हो जाएगा प्राइस। फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू की बटन प्रेस कीजिए, नेक्स्ट पेज ओपन होगा, इसमें प्रोसीड टू पेमेंट कीजिए एंड पेमेंट चाहे किसी भी कार्ड से, जिससे भी आपको करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी चाहे आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। अगर कोई EMI कराना चाहता है तो इस वाले कॉलम पे जाके इसमें से कोई भी बैंक, जितने भी ये बैंक्स दिए हुए हैं, जो भी बैंक आपको चाहिए आप उस बैंक से यहां पर अपना EMI भी करा सकते हैं। आप अगर 24 महीने वाला लेते हैं तो 24 महीने वाला आप देखो यहां पर मंथ के हिसाब से कितना पड़ रहा है, 270 रुपए महीना। अभी आप बैक साइड आके देख लीजिए, मात्र कितना पड़ रहा है, 270 रुपए महीना, ये देखिए यहां पे 270 रुपए महीना पड़ रहा है। और यहां पे आपको इंग्लिश के साथ अदर सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, आपको मैथ्स भी मिलेगा, आपको रीजनिंग भी मिलेगा, आपको GA भी मिलेगा, करंट अफेयर भी मिलेगा, प्लस आपका जो मेंस आपका निकल जाएगा तो इंटरव्यू की भी क्लासेस वगैरह सब इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। सो गाइज ये बैच 15 से पहले अपने आपको इनरोल जरूर से जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ये बैच में आपकी जो टेंशन इंग्लिश की है ना, मिलके दूर करते हैं दोनों लोग, कुछ चीजें हम करते हैं और कुछ होमवर्क आपसे कराते हैं, फिर टेंशन एकदम जड़ से खत्म करते हैं, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन हुई तो आप यहां पर इस वाले प्रोसेस को फिर से देख लीजिएगा, यहां पे इस पूरे प्रोसेस में पूरा का पूरा लिखा हुआ है, एक नजर आप डालेंगे यहां पर तो आपको पूरा अच्छे से दिख जाएगा कि हाँ क्या क्या ये चीजें हैं, और सारा प्रोसेस वही चीज है, 7 स्टेप जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। कुछ क्वायरी हुई, कोई भी कंफ्यूजन हुआ तो आप मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर 6394140481, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कीजिए अपनी इस सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप उसको दूर कीजिए और इस बैच को जरूर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट 15 को मिलेंगे हम लोग इस बैच में, कोई भी क्वेरी है तो दूर करके जरूर आइएगा, लेकिन आइएगा जरूर, बिकॉज यहां पर ये बैच आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। एक बार मैं पूरा एक बार फिर से दिखा देता हूं खुद को हाइड करके, सो दैट कुछ भी अगर छिपा हुआ है तो आप अच्छे से उसको देख सके, ठीक। एक नजर पूरा का पूरा फिर से देख लीजिए, यहां से सब्सक्रिप्शन प्रोसेस, कुछ भी आपसे छिपा नहीं रहना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं भी कंफ्यूजन हुई तो पूरा अच्छे से देख सकेंगे, एंड ये बाकी मेरे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट कभी भी आपको अगर कहीं भी कुछ भी चाहिए होगा तो इन प्लेटफॉर्म में कहीं पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू हम लोग एक दूसरे से बात करके आपकी प्रॉब्लम दूर करेंगे, ठीक है। तो ओके गाइज, अभी के लिए केवल इतना ही, थैंक यू सो मच सेशन से जुड़े रहने के लिए, सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा सो दैट मैक्सिमम लोग इस पे कनेक्ट हो सके, थैंक यू सो मच।